हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आरजीपीवी का भी और सेमेस्टर चल रहा है। थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किए जाने हैं। दोस्तों, जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यार फिफ्थ सेमेस्टर वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सेकेंड सेमेस्टर में बैकलॉग है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए आपका फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट क्लियर होना आवश्यक रहता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है तो थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देने नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में जिन भी स्टूडेंट को बैकलॉग है M2 में, ED में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो दोस्तों उन लोगों का अक्सर रेगुलरली कमेंट आता है, इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा सेकेंड सेमेस्टर का। क्योंकि यार रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। मतलब कहने का, जब रिजल्ट आ जाएगा रेवोल्यूशन का, तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप पास हो जाएंगे तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप पास नहीं होते हैं, विदाउट चेंज आता है रिजल्ट रेवोल्यूशन का, तो दोस्तों आप लोग चैलेंज वगैरह के लिए अप्लाई करिएगा। मतलब कि आपका जो कहना है कि हम लोग को डाउट है कि चेंज होगा या फिर नहीं होगा, दोस्तों वो चीज़ रिजल्ट आने के बाद पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग करंट सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए। मैं आशा करता हूँ आपका जो रिजल्ट आएगा विथ चेंज के साथ आएगा, क्योंकि दोस्तों ये थर्ड फोर्थ टाइम है जब आपने एग्ज़ाम दिया है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके बाद जब एग्ज़ाम देते हैं तो डेफिनेटली आप पास होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर कुछ मिस्टेक किए हैं तो हो सकता है विदाउट चेंज आए। तो यार आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो आप बोल रहे हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर के हम लोग को एग्जामिनेशन देने मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये चीज़ रिजल्ट आने के बाद क्लियर होगा कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। कुछ कॉलेज वालों ने अभी तक फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के रिलेटेड कुछ नहीं बोला है कि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है। वहीं पर कुछ स्टेट कॉलेज में ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगा तो थर्ड ईयर में एडमिशन, मतलब कि एग्जामिनेशन देने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट निश्चिंत है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो यार एक बार आप कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। क्योंकि यार कॉलेज वाले हमें पहले कुछ नहीं बताते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तभी हमें सब कुछ बताते हैं, जिसके कारण हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहता है और ना ही समय बचा रहता कि हम कुछ कर पाएँ। इसलिए दोस्तों अभी समय है, आप लोग कॉलेज में बातचीत कर लीजिए और रेवोल्यूशन रिजल्ट आ जाए उसके जस्ट ही बाद आप लोग कॉलेज में बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर लीजिएगा कि फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का क्या है क्या नहीं है, नहीं तो वो बाद में बहुत ही दिक्कत करते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।